नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र पांडे है और आज हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हमें प्रोग्रामिंग के दौरान उन नंबर्स को डील करने में कुछ समस्याएं आई जो इंटीजर नहीं थे। उस समय हमने नंबर्स को फ्रैक्शन के रूप में न प्रदर्शित करते हुए परसेंटेज का इस्तेमाल करके इस समस्या से निजात पाई। इस समस्या का दूसरा हल है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को इस्तेमाल करने का, जिसके माध्यम से हम इंटीजर्स और फ्रैक्शंस दोनों ही तरह की संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को सपोर्ट करती है, फ्लोट और डबल। आप फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं और उसी सिंटेक्स का उपयोग करके उन्हें वैल्यू असाइन कर सकते हैं जिन्हें हम अन्य प्रकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसके अलावा एक ही समय में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उसे वैल्यू असाइन किया जाना संभव है तथा इसे इनिशियलाइजेशन कहा जाता है, जैसा हमने स्क्रीन में दिखाया है। लेकिन कई बार हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के उपयोग करते समय भ्रमित भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है। जैसे कि यदि किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो आप भ्रमित हो सकते हैं कि यह एक इंटीजर है या एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या दोनों है। अगर नियम की बात की जाए तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 1 की इंटीजर वैल्यू 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को 1.0 की तरह। भले ही वे एक ही संख्या के समान प्रतीत होते हैं, सी के लिए दोनों वैल्यू भिन्न है, इसलिए वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हुए इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अतः इस नियम के आलोक में यह असाइनमेंट इलीगल है, क्योंकि हमने वेरिएबल तो इंटीजर डिफाइन किया हुआ है लेकिन उसे एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू असाइन की है। लेकिन कई बार प्रोग्रामर त्रुटिवश इस नियम को भूल जाता है। ऐसी दशा में सी ऑटोमेटिकली एक टाइप के वेरिएबल को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देती है। उदाहरण के लिए इस नियम के अनुसार लीगल स्टेटमेंट नहीं है, परंतु इस दशा में सी ऑटोमेटिकली इंट वैल्यू को डबल में कन्वर्ट कर देती है, परंतु यह ऑटोमेटिक कन्वर्जन कई बार परेशानी का कारण भी बन सकता है। जैसे कि इस स्टेटमेंट को देखिए, इसका परिणाम आप y = 0.33333 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका आउटपुट y = 0.0 प्रदर्शित करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपाइलर स्टेटमेंट को दो इंटीजर्स के रेशियो की तरह समझेगा और इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करेगा और एक इंटीजर आउटपुट 0 जनरेट करेगा, लेकिन y को डबल डिक्लेयर किया गया है, अतः इंटीजर आउटपुट 0 को डबल में कन्वर्ट किया गया है, अतः परिणाम 0.0 आएगा। इस समस्या का हल करने का एक तरीका यह है कि दाई तरफ फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन यूज किया जाए, जैसे अब यह आउटपुट में 0.33333 जनरेट करेगा। अब तक हमने जितने ऑपरेशन देखे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सभी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पर ऑपरेट करते हैं। आपको यह जानने में रुचि हो सकती है कि कंप्यूटर इस तरह के कंप्यूटेशन किस प्रकार परफॉर्म करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अधिकांश प्रोसेसर के पास केवल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक विशेष हार्डवेयर होता है। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स की। पिछले खंड में हमने फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को 3.14159 वैल्यू असाइन की। वेरिएबल के बारे में याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने नाम के अनुसार प्रोग्राम के अलग अलग चरणों में इनकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हम पाई वेरिएबल को अभी 3.14159 वैल्यू असाइन की। प्रोग्राम के अगले चरण में हम इसको कुछ और वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। जैसे पाई को दूसरी बार असाइन की गई वैल्यू वो नहीं है जो पिछली बार आपने पाई के नेम्ड स्टोरेज लोकेशन को असाइन की थी। इसके विपरीत कॉन्स्टेंट की वैल्यू प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं होती है। पाई या इस तरह की अन्य कॉन्स्टेंट वैल्यूज को मनमाने तौर पर बदलना उचित नहीं है तथा इसके कारण प्रोग्राम की डिबगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्स्टेंट कीवर्ड
के द्वारा ऐसे स्टैटिक वैल्यूज जिनकी वैल्यूज प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कभी चेंज नहीं होती क्रिएट कर सकता है। इनिशियलाइजेशन के दौरान const 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 को जो भी वैल्यू असाइन की जाती है प्रोग्राम को रन करने के दौरान उसे फिर कभी बदला नहीं जा सकता। यहां आप देख सकते हैं कि इनिशियलाइज किए जाने के बाद पाई का मान को बदलना संभव नहीं है। ऐसा करने पर कंपाइलर एरर मैसेज देगा क्योंकि पाई को कांस्टेंट वैल्यू की तरह इनिशियलाइज किया गया है। अगर इसकी वैल्यू में चेंज करना हो तो इसे वेरिएबल की तरह डिक्लेयर किया जाना होगा। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया सी आवश्यक होने पर इंटीजर को ऑटोमेटिकली डबल में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि कन्वर्जन में कोई भी जानकारी खोती नहीं। लेकिन दूसरी ओर एक डबल वैल्यू से एक इंटीजर में कन्वर्ट करने पर राउंडिंग ऑफ ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। अतः सी में डबल वैल्यू से एक इंटीजर वैल्यू में ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं होता क्योंकि इसमें संख्या का डेसिमल पार्ट कन्वर्जन के दौरान नष्ट या खो जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को इंटीजर में परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका टाइपकास्ट का उपयोग करना है। इसे टाइपकास्टिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में कास्ट यानी परिवर्तित करना है। टाइपकास्टिंग का सिंटैक्स इस प्रकार है। इस इंस्ट्रक्शन में जो इंट ब्रैकेट के अंदर लिखा है यह ऑपरेटर पाई की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है इसलिए x की वैल्यू होगी 3। इंटीजर में कन्वर्ट करने से पहले डेसिमल वैल्यू राउंड ऑफ की जाती है। अब बात करते हैं मैथ्स फंक्शन की। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में आपने शायद साइन और लॉग देखे होंगे तथा साइन पाई बाई टू और लॉग 1 बाई एक्स जैसे एक्सप्रेशन को सॉल्व भी करना सीखा होगा। उदाहरण के लिए पाई बाई टू की वैल्यू लगभग 1.571 है और 1 बाई एक्स की वैल्यू 0.1 है यदि हम x की वैल्यू को 10 एज्यूम करें। इसके पश्चात आप कुछ कंप्यूटेशन करके या फिर टेबल्स को देखकर इस फंक्शन को इवेल्युएट करते हैं। साइन 1.571 की वैल्यू 1 है तथा 0.1 का लॉग की वैल्यू -1 है। इसे हम एज्यूम कर रहे हैं कि लॉग का बेस 10 है। और अधिक जटिल एक्सप्रेशन जैसे लॉग 1 बाय साइन पाई बाई 2 को इवेल्युएट करने के लिए इस प्रक्रिया को बार बार लागू किया जा सकता है। सबसे पहले हम इनर मोस्ट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को इवेल्युएट करते हैं और फिर फंक्शन को। इस तरह पूरा एक्सप्रेशन इवेल्युएट किया जाता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करती है। मैथ्स फंक्शन का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित सिंटैक्स का उपयोग किया जाता है। पहले उदाहरण में 17 का बेस ई पर लॉग में सेट किया हुआ है। लॉग 10 नाम का भी फंक्शन है जो लॉग को बेस 10 पर सेट करता है। दूसरे उदाहरण में साइन फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की गई है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कॉस साइन टेन आदि में रेडियन वैल्यू इस्तेमाल होती है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप डिग्री की वैल्यू को 360 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी मैथ्स फंक्शन का उपयोग करने से पहले आपको मैथ्स हेडर फाइल को प्रोग्राम के कोड में शामिल करना होता है। हेडर फाइल्स को इंक्लूड करके आप कंपाइलर को इन मैथमेटिकल फंक्शंस की संपूर्ण जानकारी दे देते हैं क्योंकि यह फंक्शन प्रोग्राम के बाहर डिफाइंड होते हैं। उदाहरण के लिए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में हमने इंक्लूड स्टेटमेंट प्रयोग किया जिसके माध्यम से हमने stdio.h नाम के एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया। stdio.h फाइल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सभी इनपुट और आउटपुट फंक्शंस की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। इसी तरह मैथ्स हेडर फाइल में मैथ्स फंक्शन के बारे में सारी जानकारी होती है। आप stdio.h हेडर फाइल के साथ अपने प्रोग्राम की शुरुआत में इसे शामिल कर सकते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस के साथ ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फंक्शंस को कंपोज किया जा सकता है अर्थात आप एक एक्सप्रेशन को उपयोग करके दूसरे एक्सप्रेशन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी भी एक्सप्रेशन को फंक्शन के लिए आर्गुमेंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं जैसे
इस स्टेटमेंट में पाई की वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद इसे 2 से डिवाइड किया जाता है और रिजल्ट को एंगल की वैल्यू में ऐड कर देता है। इस सम को फिर कॉस फंक्शन के आर्गुमेंट की तरह पास किया जाता है। इस प्रकार एक फंक्शन के रिजल्ट को दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस स्टेटमेंट में 10 का लॉग बेस ई पर कैलकुलेट किया गया है तथा इसके रिजल्ट को एक दूसरे फंक्शन ईएक्सपी एज एन आर्गुमेंट पास किया गया है। अब तक हमने केवल उन फंक्शंस का जिक्र और उपयोग किया जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्ट इन या पहले से मौजूद हैं, लेकिन अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार सी में नए फंक्शंस को जोड़ना संभव है। अब तक हमने मेन फंक्शन के बारे में जाना। मेन फंक्शन एक विशेष फंक्शन है क्योंकि यह इंगित करता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है। मेन फंक्शन का सिंटैक्स इस प्रकार है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि आप अपनी जरूरत एवं सुविधा के हिसाब से कोई भी नया फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, किंतु नए फंक्शन को नाम देते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक है। पहला तो यह है कि उस फंक्शन का नाम मेन नहीं हो सकता क्योंकि यह पहले से ही एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। दूसरा, फंक्शन का नाम किसी भी कीवर्ड के नाम पर नहीं हो सकता। फंक्शन के साथ जो पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं वे स्पेसिफाई करते हैं कि फंक्शन को कॉल करने पर फंक्शन को यूजर द्वारा क्या जानकारी उपलब्ध करानी है। मेन फंक्शन कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, जैसा कि इस फंक्शन की डेफिनेशन मेन के साथ लगे ब्रैकेट में लिखे void को देखने से पता चलता है। शुरू में हम जो कुछ फंक्शन डिफाइन करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए हम उसमें कोई पैरामीटर्स पास नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए इस फंक्शन को प्रिंट न्यू लाइन नाम दिया गया है। इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट शामिल है जो एक न्यू लाइन करेक्टर को आउटपुट करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि फंक्शन के नाम का पहला करेक्टर कैपिटल है। हम यही कन्वेंशन आगे भी प्रोग्राम में रखेंगे। अब हम इस फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। इस प्रोग्राम का आउटपुट है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। इस आउटपुट में दो लाइनों के बीच अतिरिक्त जगह पर ध्यान दें। अगर हमें दो लाइनों के बीच और स्पेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्या होगा यदि हम लाइनों के बीच और अधिक जगह चाहते हैं? हमें सेम फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं इस तरह, या हम प्रिंट थ्री लाइन्स नाम का एक और नया फंक्शन लिख सकते हैं जो तीन नई लाइनों को प्रिंट करता है, जो कुछ इस प्रकार होगा। आपको यह प्रोग्राम के बारे में कुछ चीजें नोटिस करनी चाहिए। आप सेम फंक्शन बार बार कॉल कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा करना काफी आम और उपयोगी है। आप एक फंक्शन को एक और प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। इस केस में मेन फंक्शन प्रिंट थ्री लाइन फंक्शन को कॉल कर रहा है और प्रिंट थ्री लाइन फंक्शन प्रिंट न्यू लाइन फंक्शन को। यह भी तरीका बहुत आम और उपयोगी है। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नए फंक्शन को डिफाइन करने की परेशानी क्यों मोल ली जाए। असल में कई कारण हैं, लेकिन इस उदाहरण में केवल दो प्रदर्शित करता हूं। पहला, एक नया फंक्शन बनाना आपको इन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को अपनी सुविधा अनुसार नाम देने की सुविधा देता है, और दूसरा कारण है एक नया फंक्शन बनाना दोहराए गए कोड को समाप्त करके प्रोग्राम को छोटा कर सकता है। उदाहरण के लिए लगातार 9 नई लाइनों को प्रिंट करने का एक छोटा तरीका प्रिंट थ्री लाइन फंक्शन को 3 बार कॉल करना है। पिछले खंड में सभी कोड फ्रेगमेंट्स को एक साथ रखने पर पूरा प्रोग्राम इस तरह दिखेगा। इस प्रोग्राम में 3 फंक्शन है, प्रिंट न्यू लाइन, प्रिंट थ्री लाइन और मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर एक स्टेटमेंट है जो प्रिंट थ्री लाइन का उपयोग या कॉल करता है। इस तरह प्रिंट थ्री लाइन फंक्शन प्रिंट न्यू लाइन को 3 बार कॉल करता है। ध्यान दें कि प्रत्येक फंक्शन की डेफिनेशन उस स्थान के ऊपर दिखाई देती है जहां इसका उपयोग किया गया है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
यह आवश्यक है। किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन फंक्शन के पहले उपयोग से पहले या ऊपर दिखाई देनी चाहिए। जब भी आप सी सोर्स कोड को देखते हैं जिसमें कई फंक्शन होते हैं, आप जनरली इस कोड को ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप भ्रमित होने की संभावना है, क्योंकि यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर इस तरह से नहीं होता है। एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन के पहले स्टेटमेंट पर शुरू होता है, भले ही यह प्रोग्राम में कहीं भी डिफाइन किया गया हो। फिर यह एक समय में एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक कोई फंक्शन कॉल ना आ जाए। फंक्शन कॉल के आते ही सीधे सीधे आगे बढ़ने का यह क्रम रुक जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बजाय आप कॉल किए गए फंक्शन की पहली लाइन पर जाते हैं, वहां पर फंक्शन के सभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर फंक्शन को पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद उसी जगह वापस आ जाते हैं जहां पर फंक्शन कॉल हुआ था। प्रथम दृष्टया यह काफी आसान लगता है, सिवाय इसके कि आपको याद रखना होगा कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा, जब हम मेन फंक्शन के मध्य में होते हैं तो हमें प्रिंट थ्री लाइन फंक्शन के कॉल होने पर मेन फंक्शन के एग्जीक्यूशन को रोककर प्रिंट थ्री लाइन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इसी तरह प्रिंट थ्री लाइन फंक्शन को एग्जीक्यूट करते समय जब प्रिंट न्यू लाइन फंक्शन कॉल होता है तो प्रिंट थ्री लाइन फंक्शन के एग्जीक्यूशन को रोककर प्रिंट न्यू लाइन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सौभाग्य से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को ट्रैक करने में सक्षम है। इस प्रोग्राम में प्रिंट थ्री लाइन फंक्शन के अंदर प्रिंट न्यू लाइन फंक्शन 3 बार कॉल होता है। प्रत्येक बार जब प्रिंट न्यू लाइन फंक्शन का एग्जीक्यूशन पूर्ण हो जाता है तो प्रोग्राम उसी जगह वापस लौट आता है जहां पर उसने प्रिंट थ्री लाइन फंक्शन का एग्जीक्यूशन को रोककर प्रिंट न्यू लाइन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना प्रारंभ किया था। इस प्रकार प्रिंट थ्री लाइन फंक्शन से वापस मेन फंक्शन में लौटता है और उसे पूरा एग्जीक्यूट करता है। इससे हमें सी प्रोग्रामिंग के बारे में क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जब आप किसी प्रोग्राम को पढ़ते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बल्कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को देखते हुए पढ़ें। कंपाइलर भी प्रोग्राम को इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम बात करेंगे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स की। हमारे द्वारा उपयोग किए गए कुछ बिल्ट इन फंक्शंस में फंक्शंस को कॉल करते समय फंक्शन पैरामीटर्स भी उपलब्ध कराने होते हैं। फंक्शन पैरामीटर्स वो वैल्यू होती हैं जिन्हें आप फंक्शन को अपना काम करने के लिए उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप किसी नंबर की साइन वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको यह इंगित करना होगा कि यह नंबर क्या है। इस प्रकार साइन फंक्शन पैरामीटर के रूप में एक डबल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। कुछ फंक्शन एक से अधिक पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि पावर फंक्शन जिसमें 2 पैरामीटर बेस और एक्सपोनेंट उपलब्ध कराने होते हैं। अगर आप प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करते समय हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने पैरामीटर्स की आवश्यकता है यह बताने के साथ साथ उन पैरामीटर्स के टाइप्स को भी डिफाइन करना आवश्यक है। जैसे कि यह फंक्शन सिंगल पैरामीटर जिसका नाम फिल है और जिसका टाइप करैक्टर है को एक्सेप्ट करता है। यह प्रोग्राम जो भी उस पैरामीटर की वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय पास की जाएगी उसको 2 बार प्रिंट कर देगा और उसके बाद 1 लाइन प्रिंट कर देगा। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें एक करैक्टर प्रोवाइड करना होगा। उदाहरण के लिए हमारे पास एक मेन फंक्शन हो सकता है जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। फंक्शन को कॉल करने के दौरान पैरामीटर को असाइन की जाने वाली वैल्यू को आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। इस एग्जांपल में ए को आर्ग्यूमेंट की तरह पास करते हैं और प्रिंट ट्वाइस ए को 2 बार प्रिंट कर देता है। पैरामीटर्स और वेरिएबल्स केवल अपने फंक्शन के भीतर ही एग्जिस्ट करते हैं। मेन फंक्शन के दायरे के भीतर फिल जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मेन फंक्शन के अंदर आप फिल को कॉल करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर एरर मैसेज दे देगा। इस प्रकार प्रिंट ट्वाइस फंक्शन
कि भीतर भी फिल जैसा कोई भी आर्गुमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इस तरह के वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल कहा जाता है। पैरामीटर्स और लोकल वेरिएबल का ट्रैक रखने के लिए एक स्टैक डायग्राम का उपयोग किया जाता है। स्टेट डायग्राम की तरह स्टैक डायग्राम प्रत्येक वेरिएबल की वैल्यूज को दिखाते हैं, लेकिन वेरिएबल्स बड़े बॉक्स के अंदर दर्शाए जाते हैं जो इंगित करते हैं वे किस फंक्शन को बिलोंग करते हैं या उनसे संबंधित हैं। उदाहरण स्वरूप, प्रिंट वाइज का स्टैक डायग्राम कुछ इस तरह से दर्शाया जाएगा। जब भी किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उस फंक्शन का नया इंस्टांस क्रिएट होता है। फंक्शन के प्रत्येक इंस्टांस में उस फंक्शन के पैरामीटर्स और लोकल वेरिएबल शामिल होते हैं। इस डायग्राम में फंक्शन को बॉक्स में दर्शाया गया है जिसके बाहर फंक्शन का नाम तथा अंदर वेरिएबल और पैरामीटर्स दर्शाए गए हैं। इस उदाहरण में मेन फंक्शन में एक लोकल वेरिएबल, आर्गुमेंट और कोई पैरामीटर नहीं है। प्रिंट ट्वाइस फंक्शन में कोई लोकल वेरिएबल नहीं है तथा फिल नाम का एक पैरामीटर है। ऐसे फंक्शंस जिसमें मल्टीपल पैरामीटर्स को डिक्लेयर किया जाता है उनमें निम्न सावधानियां बरतनी आवश्यक है। सबसे पहले याद रखें कि आपको प्रत्येक पैरामीटर के टाइप को डिक्लेयर करना होता है। उदाहरण के लिए स्क्रीन पर कोड की कुछ लाइनें दिखाई जा रही हैं। आपको लग रहा होगा मैं इसे इंट आवर कॉमा मिनट भी लिख सकता था, लेकिन ये फॉर्मेट सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन में वैलिड है, पैरामीटर्स डिक्लेरेशन में नहीं। दूसरी गलती जो हम पैरामीटर डिक्लेरेशन के समय अक्सर करते हैं वो है कि हम आर्ग्यूमेंट्स के टाइप डिक्लेयर नहीं करते, जो कि सरासर गलत है। स्क्रीन पर इस कोड को देखिए। इस केस में कंपाइलर डिक्लेरेशन को देखकर आवर और मिनट के टाइप का पता लगा लेगा, अतः आर्ग्यूमेंट्स को पास करते समय टाइप को दोबारा इंक्लूड करना इल्लीगल है। सही सिंटेक्स इस प्रकार है। आपने अब तक ध्यान दिया होगा कि कुछ फंक्शन जैसे कि मैथ्स फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने पर वो हमें कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। अन्य फंक्शंस जैसे प्रिंट न्यू लाइन को जब आप कोई कॉल करते हैं तो ये कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। इससे कुछ सवाल उठते हैं। पहला, क्या होता है यदि आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं और आप रिजल्ट के साथ कुछ भी नहीं करते, यानी आप इसे एक वेरिएबल के लिए असाइन नहीं करते हैं या इसे लार्जर एक्सप्रेशन के हिस्से के रूप में उपयोग नहीं करते। दूसरा, क्या होता है यदि आप किसी फंक्शन को उसके रिजल्ट के बिना एक्सप्रेशन के पार्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस फंक्शन में दिखाया गया है प्रिंट न्यू लाइन फंक्शन प्लस 7। तीसरा, क्या हम ऐसे फंक्शंस को लिख सकते हैं जो परिणाम या रिजल्ट उत्पन्न करते हैं, या क्या हम प्रिंट न्यू लाइन फंक्शन और प्रिंट ट्वाइस फंक्शन जैसे फंक्शन को ही इस्तेमाल कर सकते हैं? तीसरे प्रश्न का उत्तर है हाँ, आप ऐसे कुछ फंक्शंस लिख सकते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। मैं दो अन्य सवालों का जवाब आपके लिए छोड़ता हूं, इसका जवाब आप खोजिए। समय आने पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रूटफुल फंक्शंस की। धन्यवाद।